अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं तहरी गोश्त की। सबसे पहले तेल डालेंगे कुकर में 1 कप भर के। इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा पड़ता है। तेल मेरा गर्म हो गया। अब इसमें 2 बड़ी प्याज बारीक कटी हुई डालेंगे, पतली पतली स्लाइस करी हुई। अब हम इसको लाल करेंगे। मेरी प्याज लाल हो गई है। अब हम इसमें से आधी प्याज निकाल लेंगे, तेल पसा के निकाल लेंगे और आधी प्याज छोड़ देंगे। इसी में बची हुई प्याज में अब हम खड़ा मसाला डालेंगे। 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 4-5 लौंग डाल देंगे। इसको डाल के थोड़ा चला लेते हैं। अब हम इसमें 1/2 kg मटन का गोश्त डालेंगे। इसको भी थोड़ा चला लेंगे, थोड़ा भून लेंगे। 1 चम्मच भर के अदरक डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 3 तेज़पत्ता डालेंगे, 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे। इसको चला के थोड़ा सा भून के और इसमें अब हम पानी डाल देंगे अपने हिसाब से, गोश्त जितना गल जाए। अब हम कुकर बंद कर देते हैं पानी डाल के। अब हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी भर के डालते हैं। अब इसमें 1/2 चम्मच हल्दी डालते हैं गर्म हो करने के बाद। अब हम इसमें आलू डालेंगे, 6-7 मीडियम आलू, बीच से 2 कट करके डाला और थोड़ी देर लाल करेंगे इसको। अब हम इसमें मटर डालते हैं और इसको भी चला के थोड़ी देर के लिए फ्राई करते हैं दोनों को, 5 मिनट के लिए गलने देते हैं थोड़ा सा, और आँच मेरी मीडियम रहेगी। अब हम इसको देखते हैं, 5 मिनट हो चुका है और आलू मेरा 1/2 गला हुआ है। अब कुकर खोल के देखते हैं, गोश्त गल चुका है, आलू 1/2 गला हुआ था। तो अब इसमें डाल के 1 सीटी फुल आँच पे लगा देते हैं। आलू गल चुका है, अब इसमें तेल भी छोड़ दिया है। अब बिल्कुल अब इसको थोड़ा सा बस भून लेते हैं 2-4 बार चला के। हमने पतीली में 1 लीटर पानी डाला है, उसमें 6-7 हरी मिर्च, 10-12 काली मिर्च और 4-5 लौंग और 1 चम्मच नमक। अब इसको बंद कर देते हैं उबाल आने तक। अब पानी मेरा खौल चुका है। ये चावल है 1/2 kg, 10 मिनट पहले भिगाया था। अब हम इसको पानी में डाल देंगे। आलू मटर गोश्त जो हम गलाए हुए थे वो डाल देते हैं। अब हम इसको चलाकर फुल आंच पर 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और फिर धीमी आंच पर फिर 5 मिनट के लिए और पकाएंगे। मेरी तहरी बन के तैयार हो गई है। हमने इसको गार्निश किया है तली हुई प्याज और हरी धनिया से। आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर ठंडी के मौसम में, और लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।